देखो कि मुख्यमंत्री आया हुआ क्षेत्र में, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ना विजय है ना विश्वास है, अपनी जिंदगी डूब रही है। अभी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ आए थे, अभी उनके जिले में कलेक्ट्रेट में लोग साण हाँक के पहुंचा दिए। और यहाँ जो योगी जी का ललका साण है, वो किसानों का धान, इस समय किसानों का जो है अरकल मटर गेहूं आलू गोभी चल रहा है, ये शिवराज चौहान को नहीं दिखाई दे रहा है। और तो मजे की बात कि सड़क पर 70% एक्सीडेंट इस समय योगी जी के ललका सांड से हो रहा है। ट्रामा सेंटर चले जाइए, आपको 70% मरीज सांडों से लड़के मिलेंगे। ये इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, महंगाई इनको दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा देश में अगर पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, ये प्रदेश में अमन चैन कैसे हो इस पे बात नहीं करेंगे। ये गरीबों का धोती खोल के गरीबों को कपार पे बांध रहे हैं। ये गैस सिलेंडर जो 400 में मिलता था उसको 1,000 कर दिया, जो सरसों का तेल 50 रुपया किलो मिलता था उसको 200 पार कर दिया। दोनों का बढ़ा हुआ दाम जोड़ दीजिए तो फिर 750। अनाज दे रहे हैं 250 का लोगों को और ढिंढोरा पीट रहे हैं गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। तो ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। इस नाते इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है, वो कहाँ बताएंगे। इसी बलिया में उन्हीं के रथ को तो लोगों ने दौड़ा लिया, भगा दिया उन्हीं के रथ को। अब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अम्बेडकर नगर में, कुर्सी को भाषण सुना रहे थे। अभी कल आना था अमित शाह जी को मऊ में, अब वो डर बस नहीं आए और भेज दिए जो है क्या नाम है इनको, जो प्रभारी यहाँ बनकर के आए हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को। और स्थिति ये हो गई कि वहां कोई सुनने वाला नहीं, भीड़ गाली देते हुए सांड को लेकर के,